अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ये जो समिट हुआ सऊदी अरेबिया में, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये एक इस्लामिक समिट होगा, तो इसमें एक नेचुरल सी बात ये थी कि पाकिस्तान इसका एक अहम फोकल पॉइंट होता। जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से दोनों अहम ममालिक, एक सऊदी अरेबिया, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि दो दिन पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि 55 मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स में पाकिस्तान की अहमियत क्या थी, वहां हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। एक वो मुल्क जो दहशतगर्दी पर अपना नैरेटिव पूरी दुनिया में, अब मैं ही फील करती हूं कि 70,000 शहादतें देने के बावजूद हम नाकाम हो चुके हैं, इसलिए कि वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूद, वहां पर हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो इस इत्तेहाद के सरबरा हैं, मिलिट्री इत्तेहाद के सरबरा, जिसको नेटो से मिलाया जा रहा था कि ये एक इस्लामिक इत्तेहाद का एक नेटो टाइप अलायंस होगा जो कि दिफा करेगा सरहदों की। तो इस सारे लेने देने में पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है? पाकिस्तान के दुश्मन हर तरफ से उसको मुंह चढ़ा रहे हैं। अफगानिस्तान जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, वहां पर अशरफ गनी से साइडलाइंस पे ट्रंप की मुलाकात होती है, उसको अहमियत दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को बड़ा कन्वीनियंटली उस नैरेटिव से जो दहशतगर्दी के खिलाफ आप खित्ते में बनाने जा रहे हैं, वो भी आप सऊदी अरेबिया में, उसमें आप पाकिस्तान का जिक्र करना नहीं पसंद करते। पाकिस्तान ने एपीएस जैसी कुर्बानियां दी और आज उस मौके पर ये जख्मों को ताजा करने वाली बात है। इतनी बड़ी शहादतें बच्चों की दे के उसके बावजूद वी हैव बीन अनएबल टू गेट रिकग्नाइज्ड एक ऐसे मुल्क के तौर पर जिसमें दहशतगर्दी अरूज पर थी, और उसके साथ आप वहां पे खड़े होकर, रियाद में खड़े होकर जहां सऊदी अरेबिया आपका होस्ट है। मुझे हैरानी अमेरिका पे नहीं है, उनका तो मौकिफ ही ये है कि इस वक्त आइसोलेशन में, क्योंकि पाकिस्तान का चीन के अलावा कोई हिमायती, कोई दोस्त नहीं है सीपैक की वजह से, तो आपने पाकिस्तान को चारों बॉर्डर से इनसिक्योर कर दिया है। आप वहां खड़े होकर भारत की बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का मौकिफ ये है कि हमारे पास कुलभूषण यादव है और ये वो शख्स है जो एक हाजिर ड्यूटी ऑफिसर है और इसको हमने पकड़ा है। इसने खुद कन्फेशंस किए हैं और उसने ये बताया है कि वो पाकिस्तान में किस तरह बर्बरियत फैलाता रहा। आज वो दिन है जब मिलिट्री कोर्ट्स ने 144 शोहदा, उन बच्चों के, उन मार्टर्स के, उनके पेरेंट्स को पता नहीं उनके कलेजों में ठंड पड़ी होगी या नहीं, लेकिन आज उनको हमने हैंग किया है। वी हैव सेंड देम टू द गैलोज। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये बड़ी खबर है आज, उनको हम दहशतगर्दों के लिए, हमने मिलिट्री कोर्ट्स जैसी चीज को एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट से तरमीम के थ्रू अप्रूव कराया, डिलिब्रेशंस की 55 मिनट तक इस चीज पर बहस होती रही। और जो लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ जा रहे थे, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर सारे रास्ते जहाज में तकरीर रिहर्स करते रहे, पॉइंट्स डिलिब्रेट करते रहे, ये सोचते रहे कि वहां क्या कहना है, कैसे कहना है और क्यों कहना है। ये भी इत्तलात आ रही है कि ट्रंप ने साइडलाइन पे दीगर लोगों से तो मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की मुलाकात की। एंड अप टू नाउ द फॉरेन ऑफिस हैज नॉट अप कम अप विद अ सिंगल क्लेरिफिकेशन। पाकिस्तान को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? टुडे आई बिलीव यस, पाकिस्तान इज आइसोलेटेड, चीन के अलावा हमारा कोई नहीं। अगर ईरान का भी बॉर्डर खराब होता है, वो भी हमें धमकियां देने लग जाते हैं, तो वेयर डू वी स्टैंड? सऊदी अरेबिया के लिए बेशक हमारे बहुत अच्छे उनसे ताल्लुकात हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने किया है, पाकिस्तान ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आज हमें ज्वाइन किया है सईद सम बुखारी साहब ने, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं इन्फॉर्मेशन के, और अब तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रुकन है अब्बास अफरीदी साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, सीनियर रहनुमा पीएमएलएन के, मुस्तफा नवाज कोकर साहब, अब फॉर्मर एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मुस्तफा नवाज कोकर साहब, आई वुड लाइक टू बिगिन विद यू, कैसे देखते हैं आप इस डिजास्टर इन द मेकिंग को?
देखिए, इस डिजास्टर की अभी एक और पहलू पे तो हमने गौर किया ही नहीं। एक इसके दो पहलू हैं। पहली चीज तो ये है कि वहां पर जाना, वहां पर जो फेलियर था वो तो हम सबके सामने है। हमें ये सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है, और इस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में हमारे सिवाय चीन के बाकी तमाम दुनिया के ममालिक से कोई हमारे खासे ताल्लुकात रह नहीं गए। तो इस पहलू का तो सब लोगों को इल्म है। दूसरी एक और पहलू है जिसके ऊपर अभी तक किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में जैस्मिन गुफ्तगू नहीं हुई, वो ये है कि जो अरब समिट हुआ उसकी जो ज्वाइंट कम्युनिक थी, जो उसकी जॉइंट स्टेटमेंट थी, उस जॉइंट स्टेटमेंट को अगर आप मुलाकात फरमाएं तो उसके अंदर जो ईरान के बारे में जो चीजें लिखी गई थी, हुकूमत अभी तक चुप है, खामोश है कि क्या हुकूमत ऑन द फेस ऑफ इट हुकूमत उसे एग्री करके आई है। एग्री किस चीज से करके आई है? उस जॉइंट स्टेटमेंट का जो पांचवा नुक्ता है वो इस चीज पर है कि ईरान पूरे मुस्लिम दुनिया में सेक्टेरियन वायलेंस फैला रहा है, ईरान दहशतगर्दी का जिम्मेदार है। तो ये सारी चीजों से क्या हमारी हुकूमत एग्री करके आ गई है और वहां पर अभी तक हम चुप करके बैठे? तो ये एक ऐसा हुकूमत ने हमें फंसा लिया है एक ऐसी चीज में कि ना इनके पास फॉरेन मिनिस्टर है, ना इनके पास कोई फॉरेन मिनिस्ट्री को इस तरह तवज्जो देते हैं, क्राइसिस का शिकार है। और अब हम इस मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं कि हमारा एक हमसाया मुल्क है और उसके साथ भी हमारे ताल्लुकात इस नहज पर इन्होंने पहुंचा दिए कि वहां से भी हमारे खिलाफ जो स्टेटमेंट्स आ रही है वो आपके सामने। तो अगर इन टोटैलिटी अगर आप देखें इस सारी फॉरेन पॉलिसी को, तो पाकिस्तान की जो अपनी स्ट्रेंथ है उनके ऊपर पाकिस्तान का फोकस कतन नहीं है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है क्या कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, पाकिस्तान के पास एक वेल डिसिप्लिन्ड एक स्ट्रॉन्ग आर्मी, हमारा सीपैक का एक मुआहदा हुआ है, हमारे पास एक गवादर पोर्ट मौजूद है जिसके ऊपर पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, पाकिस्तान इज अ यूथफुल कंट्री। इन तमाम चीजों पे हमारी जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर हमारा फोकस नहीं है, और दूसरों के ममालिक में जाकर हमने अपने आप को इस तरीके से बेच के रख दिया है कि हम ज़हनी कमजोरी पसमानदगी का शिकार हैं। ओके ठीक है, मैं समसान आप भी अपना मौकिफ दे दें। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि देखिए जितने भी लोग प्यारे में थे और जो भी मीडिया के उनके साथ कवरेज के लिए भी गए हैं, दे ऑल सेड द प्राइम मिनिस्टर वाज रिहर्सिंग, वो अपनी स्पीच तैयार करते रहे, वहां क्या बोलना है क्या कहना है, मतलब है ही वो सो श्योर ऑफ इट। तो क्या वजह के वो उनको मुस्तफा हंस रहे हैं, उनको बोलने भी नहीं दिया गया? वन दिस नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट अलाउड टू स्पीक जबकि और ममालिक के लोग बोले, दूसरी बात इवन जो हमारे सरबराह इत्तेहाद के होंगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फॉर्मर, उनको भी दहशतगर्दी पे आपने कि क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या होगा, इवन ही डिड नॉट स्पीक। देखें जसवीन, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा, मुझे तो इस्लामिक समिट तो इसको नाम देना नहीं चाहिए। अगर ट्रंप वहां पे बैठे हुए हैं और फोकल पॉइंट और उसका जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो ट्रंप और ट्रंप की फैमिली है, तो इस्लामिक समिट का तो नाम नहीं देना चाहिए, बुलाने में कोई अर्ज नहीं, मगर नाम कोई और फिर दे दें। ठीक। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की अफवाज को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी और अपने फॉर्मर चीफ से भी बात करनी पड़ेगी। अगर ये फौजी इतिहाद ईरान स्पेसिफिक है कि ईरान को गुजंद पहुंचाना है और हमारे एक साबका आर्मी चीफ ने उसकी कमांड करनी है, तो वी शुड थिंक ट्वाइस ऑन दैट कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं मुस्तफा से एग्री करता हूं कि ये जॉइंट कम्युनिके है, अगर इस पे आपने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो दैट्स मीन दैट यू आर पार्ट ऑफ इट। प्रॉब्लम ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली जो है प्राइम मिनिस्टर की, वो उनके जाती तल्लुकात अरबों पे हैं, मगर जाती तल्लुकात पे वो मुल्क को ना बेचे। मुल्क की ये वाइब्स पूरे के पूरे की नहीं है कि आप इस तरह अपना आप बेच दो। नहीं, लेकिन एक बात सुने समसान, मुझे कह लेने दें, एक पॉइंट कमेंट कर दे फिर कह लीजिएगा वो ठीक है आप, लेकिन उनपे सारा मलबा उनपे ना डाले। जीएचक्यू ने भी तो अप्रूवल दिया ना, देखे अपना, और ये बड़ा मुझे अजीब बात, डाला नहीं मैंने मलबा डाला नहीं, आपने सुना नहीं, फिर मैंने कहा कि वो आज पाकिस्तान को भी दे हैव टू थिंक ट्वाइस कि ईरान के खिलाफ ना बने। मैंने तो वो बात तो मैंने प्राइम मिनिस्टर पे की नहीं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर पे ये बात कर रहा हूँ कि इनके एक जाती तल्लुकात हैं, ये उस पे गए और जो इनकी जाती एश्योरेंसेस हैं वो हमेशा इनको बचाने आते हैं, वो इनके लिए करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैं अल्लाह ना करे वो दिल लाए कि मैं इस मुल्क को बरादरी पे, सेक्ट पे और लसानियत पे तकसीम होता देखूं, मगर इस पे तो हम ये देखें, ये तो एक सिंगल सेक्ट सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं जिसकी प्रमोशन में पाकिस्तान चाहते हुए या ना चाहते हुए शरीक हो रहा है। अगर चाहते हुए शरीक हो रहा है तो ये हुक्मरानों की बदहदी है, और अगर ना चाहते हुए शरीक हो रहा है तो फिर इनके फॉरेन पॉलिसी तो है ही नहीं, ना फॉरेन मिनिस्टर है ना कुछ और है। क्या वजह बनी,
क्या सऊदी अरेबिया से कुछ पूछा गया, क्या उनसे कुछ मालूमात हासिल की गई कि जी सबसे पावरफुल कंट्री आपकी है, उसके मिलिट्री का इत्तेहाद आपका आपका चीफ है, आपने हमें बात करने का मौका ही नहीं दिया कि हम क्या चाहते हैं दहशतगर्दी पे? ऐसा है कि मेरे भाइयों ने बात की, आपने अपने इंट्रो में बताया कि कॉरिडोर के बारे में, ठीक है, अगर हमने अपने मुल्क में दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं, हर आदमी अपने मुल्क को देखेगा। आज जो है क्वेटा में चाइनीज लैंग्वेज सिखाने वाले चाइनीज को हलाक किया गया, ठीक है, हमें ये कॉरिडोर ऐसे है जो 500 एटम बम से ज्यादा है, इसलिए कि सारी दुनिया इसको देख रही है और हमारी मुल्क की तरक्की, इकोनॉमी और बेरोजगारी सारी इसके साथ मुंसलिक है। तो दुनिया तो खामखा किसी को ये अच्छा नहीं लगेगा कि पाकिस्तान तरक्की करे, एटमी कुव्वत भी हो और वो इतना पावरफुल हो जाए इकोनॉमी के लिहाज से कि वो हर जगह में हम आप अपने फैसले करें। तो ये जरूरी है कि दुनिया उसमें कोशिश करती रहेगी, हर कोई कोशिश करता रहेगा कि किसी तरह हमें अलग रखे। हमारी कोशिश होगी कि हम इस चीज को जब तक कॉरिडोर हो दुनिया को साथ चलते चलते अपने आप को उस पावर तक ले जाए कि हम दुनिया के आंखों में आंखें मिला सके। चल कौन रहा है? यही तो बात है, जो हमारे साथ चल रहा है उसी से तो इशू है। चाइना हमारे साथ चल रहा है जिसकी वजह से यही इशू आ रहा है। आपके बहुत से इस्लामी मुल्क भी ऐसे हैं कि उनकी ख्वाहिश नहीं होगी कि कॉरिडोर बने, उनकी ख्वाहिश नहीं होगी कि ग्वादर बने, उनकी ख्वाहिश नहीं होगी कि पाकिस्तान इकोनॉमी के साथ बहुत मजबूत हो जाए। बहुत से लोगों की ऐसी ख्वाहिश नहीं होगी। ठीक है अब्बास आफरीदी साहब, देन मेरा एक पॉइंट नोट कर लें, पता है वो कौन से मुल्क होंगे? वो मुल्क होंगे जहां जमहूरियत नहीं होती, वहां किंगडम्स होती है, वहां किंग फैसला करते, वहां उनके बच्चे, उनके भतीजे, उनके भांजे, उनके रिश्तेदार फैसले करते हैं। अगर ये फैसले आप पार्लियामेंट से करवाएं ना, फॉरेन पॉलिसी के, कि जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जा रहे हैं और ये मौकिफ होगा, ये है सेनेट, ये है आपके पार्लियामेंट, ये आपका कह रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, हर पार्टी आपके पीछे खड़ी होगी। अगर आप किंगडम की तरह ना चलाएं मुल्क को तो फिर आपको कोई दुनिया में आंखें नहीं दिखाएगा। ऐसे आप पहली दफा कोई किंगडम की तरह नहीं चला रहा, आप पहली दफा एक इकॉनमी की उस लेवल पे जा रहे हैं जहां आपका मुल्क किस पोजीशन पे था, किस हालात में थे, टेररिज्म में। आज आपने कल परसों बर्तानिया में हालात देखे, दुनिया में आप हालात देख रहे हैं, आपके 20-20, 30-30, 200-200 लोग एक शहर में, तीसरे शहर में, चौथे दिन में एक 700-700, 800-800 की कैजुअलिटीज हो रही थी। आपने पहले उसको कंट्रोल किया, फिर उसके बाद इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे, उसके बाद आप कॉरिडोर को अपनी तवज्जो दे रहे, एक दिन में इन चीजों को ना मिलाए। ये कॉरिडोर फॉरन पॉलिसी है, कॉरिडोर ही सारी दुनिया की फॉरन पॉलिसी की नजर में, कॉरिडोर ही ऐसा इशू है कि जो सारी दुनिया की नजरों में खटक रहा है। ये अजीब बात है, पूरी दुनिया तरक्की करती है, हमारा कॉरिडोर लोगों की आंखों में अगर खटक रहा है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है जी, बोल दे मुस्तफा, यू वांट टू से समथिंग? ऐसे नहीं है जी। मैं जैस्मिन, एक और चीज की तरफ मैं इशारा दिलाना चाहता हूँ कि देखिए इस वक्त हम अपनी स्ट्रेंथ्स को रियलाइज कर ही नहीं रहे। इस वक्त एक और सूरत हाल जो हमारे पड़ोस के मुल्क में डेवलप हो रही है इंडिया के अंदर कश्मीर के हवाले से, अगर आप कश्मीर की पोजिशन को देखें तो इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, दुनिया भर के इंटरनेशनल जो न्यूज पेपर्स है वो इस वक्त इस चीज पे मुतफिक है, इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि कश्मीर इज स्लिपिंग अवे फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया की इतनी बड़ी वीकनेस है इस वक्त, वहां पर इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि कश्मीर निकल रहा है। वहां पर इंतखाबात हुए, 7% से ज्यादा वहां पर टर्नआउट नहीं था, वहां पर इस वक्त बच्चियां सड़कों पर हैं जो इंडियन फोर्सेस से नबर्द आजमाए, और ये सारा इंडिजिनस है। आप ये बताइए कि अगर फॉरेन पॉलिसी हुकूमत की कामयाब होती तो इस अरब समिट में कश्मीर के बारे में बात क्यों नहीं हुई? आपने किसी इंटरनेशनल फोरम पर कश्मीर के बारे में बात क्यों नहीं की? आपने कुलभूषण के बारे में बात क्यों नहीं की? आप यूएन जनरल असेंबली में खिताब करने जाते हैं, वहां पर आप कुलभूषण का नाम तक लेना गवारा नहीं करते हैं। इंडियन एट्रोसिटीज आज पीक पे है, इंडिया एक कमजोर विकेट पे है, आप अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज नहीं कर रहे, अपने इश्यूज को फोर्थ राइट लिए लेकर आगे जा नहीं रहे, तो फिर आपका तो यही नतीजा निकलेगा। बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली मुस्तफा इज राइट समसाम, हम अपनी स्ट्रेंथ्स को रियलाइज करना तो दूर की बात, हम अपनी स्ट्रेंथ्स अभी, इन्होंने अब्बास अफरीदी साहब ने कहा 200-200 लोग शहीद होते थे, 700-700 लोग, अरे भाई हमारे अलावा भी कोई इसको मानेगा क्या? सऊदी अरेबिया ने अफगानिस्तान को कंडेम किया, क्या उन्होंने खड़े होकर किंग सलमान ने एटलीस्ट ये कहने की कोशिश की कि भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी में बहुत तकलीफें उठा चुका है और कम से कम अफगानिस्तान से नहीं होना चाहिए ये? आप तो उल्टा भारत की तारीफें कर रहे थे वहां।
देखें जैस्मीन, मैं वही बात कहने लगा था जो मुस्तफा ने कह दी, अब उसको मैं बढ़ाते हुए ये कहता हूं कि एक तो स्ट्रेंथ भी नहीं की और अपनी कमजोरियों को कमजोर तर करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती इन्होंने की जो कुलभूषण यादव पे अब ये अब इनको हर जगह पे इनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है कि जनरल असेंबली में एक नाम तक नहीं लिया गया। एक इनकी जाती दोस्ती भी है, जाती कारोबार भी है, जब इनके जाती इंटरेस्ट हुक्मरानों के होंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरी जनरल असेंबली में अगर हमने बताया होता दुनिया को कि इस जालिम आदमी ने वहां पे क्या क्या कराया, कितने लोग हमारे शहीद कराए, ये कराए वो कराए। दूसरी बात ये है, ये मैसेज ही होगा, शायद हकीकत ना हो, इनको इस हुकूमत को ये बताने की जरूरत है कि हम भले सऊदी अरब हो, हम किसी मुल्क के आलाकार नहीं है और हम किसी एक सेक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान को कायदे आजम के नजरिए के तहत चलाना चाहते हैं जहां मुसलमानों के साथ साथ अकलीतों के हकूक का भी दबाव किया जा सके। ये बुरी तरह नाकाम हुए। दूसरी बात यह है, अब ये देखें कि ये जो इनके फॉरेन ऑफिस में, पहले तो फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं, फिर फातमी साहब का और सरताज अजीज का ऐसा डिस्कनेक्ट था कि जिसमें कोई हिसाब नहीं, और एक कंट्रोवर्शियल आदमी फातमी साहब को इन्होंने आगे उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया और फिर डॉन लीच में फारिग भी कर दिया। सुन तो नहीं, वो तो कुर्बानी का बकरा बनाया, वो उसकी नहीं थी। डॉन लीक में असल कल्प्रिट्स को चूंकि फारिग नहीं किया जा सकता वहां पे, तो मैं ये भी कहने को तैयार हूं वहां पे तो परवेज रशीद की भी कुर्बानी दी गई, वो भी नहीं था। जो थे उनको बचाया गया, जो नहीं थे उनको उड़ाया गया। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं, आपसे गुजारिश, अब्बास अफरीदी साहब और मैं और मुस्तफा एक ही कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं, हम लोगों को बहुत कुछ इकट्ठा ऐसे पता है और एक ही हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं हम उस वक्त में। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि बात यह है कि एक आम आदमी खुदा की कसम इतना दिल बर्दाश्ता है कि जो हमारे सऊदी अरब को हम देखते हैं कि ये जैसे हमारा सरबरा है मुसलमानों का, नॉट बिकॉज ऑफ देयर रूलर्स, बिकॉज ऑफ द हरमैन शरीफ। लेकिन बात यह है कि खुदा की कसम मैं तो बहुत मायूस हुआ हूं जो मुसलमानों के साथ बिलअमूम और पाकिस्तान के साथ बिलखसूस किया गया है पिछले दो तीन दिन में। अब्बास आफरीदी साहब, ऐसा है कि मेरे कोकर भाई ने बहुत अच्छी बात की कि कश्मीर के बारे में इस वक्त सारी दुनिया के अखबार, न्यूज पेपर, फलाना फलाना फलाना, सारी दुनिया लगी हुई कि इंडिया से जा रहा है। ये हमारी ही पॉलिसी है कि कश्मीर इस लेवल पे पहुंचा कि आज उसको सारी दुनिया में जिक्र किया जा रहा है। अगर एक मिनट मेरी पूरी बात करने दे, अगर ये पहले दौर अदवार में गवर्नमेंटें थी, आज ये हो रहा है, अगर जिक्र कश्मीर का नहीं हो रहा तो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, अगर जिक्र नहीं हो रहा तो यहाँ के चैनल पे नहीं हो रहा, अगर उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा तो यहाँ नहीं किया जा रहा, वरना सारी दुनिया में उसको डिस्कस किया जा रहा है कि इस वक्त इंडिया के हाथ से कश्मीर जा रहा है। ये अगर जरूरी नहीं है कि हर बात पे आप उसको हाईलाइट करें, आप उसको बोलें, जैसे आज कॉरिडोर का किस्सा चल रहा है, आपको नजर आ रहा है कि सारी दुनिया हमारे सामने खड़ी होने की कोशिश कर रही है। भाई कश्मीर पे आप 100 दफा उसका मौकफ वाजे है कि हम उसका हर वक्त उनके साथ हैं, इसमें कोई एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, हर वक्त हर जगह पे यूनाइटेड नेशन में हमारा मौकफ बिल्कुल सामने, और उसका असर आपको नजर आ रहा है कश्मीर में कि पाकिस्तान उनके साथ मॉरली हर वक्त खड़ा है। अगर पहले अगर ये पॉलिसी तसलसल से चलती तो आज हो सकता है कश्मीर इस हाल में ना होता, कश्मीर कब का आजाद हो चुका होता, लेकिन उस तसलसल को नहीं छोड़ा गया। मुख्तलिफ अदवार में एक मीडिया की तरफ है एक तस्वीर तो दिखाई गई, हकीकत में कुछ नहीं किया गया। हमारा हकीकत में है जो नजर आ रहा है, ये जरूरी नहीं कि हर बात को जो है हाईलाइट किया जाए, उसकी मीडिया की खबर बनाई जाए। आदमी को काम वो करना चाहिए जिसके दूरदर्शन असरात हो। कश्मीर के असरात नजर आ रहे हैं, दुनिया को नजर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहे हैं। ये बातें खाली अगर हम इसलिए कर लें कि जी जैसे देखिए कॉरिडोर को आप देखें ना, आज आप कह रहे हैं कि इधर से ये हो रहा है, इधर से होगा, हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। आज मैंने आपको कहा क्वेटा में वाकया हुआ, चाइनीज लैंग्वेज सेंटर में जो है बेचारी एक लड़की और एक चाइनीज दोनों को उधर अलग किया गया, क्यों? ये चीजों को हम देखेंगे कि हमें चैलेंजेस हैं सारी दुनिया की तरफ से हैं, सर, और हमें इस कॉरिडोर को कंप्लीट करके एक मजबूत पाकिस्तान बनाना। मैं सरताज अजीज साहब के बयान की तरफ आती हूँ, यादव के बारे में बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मुझे ये बताइएगा आफरीदी साहब, आलमी अदालत ने ये कहा है कि हम केस सुनेंगे तब फांसी पर अमल दरामद नहीं होगा, ये क्या मसला है? मतलब हम प्रेपरेशन के साथ तो कहीं भी नहीं जाते, मुझे लगता है तुक्कों में चला रहे हैं हम मामलात को, ना कोई तुक्कों में चला रहे हैं ना कुछ। उन्होंने
वो एक कोर्ट नहीं, वो डिसीजन नहीं दे सकता। एक सियासी जैसे हमारे एक जरगे की बात हो गई, आगे इसकी प्रोसीडिंग होगी और हम अपने कानून, हम अपने जो हमने अंदरूनी, हम उसके पाबंद नहीं है। हमने अपना जो करना है हम वो करेंगे। वो क्या एक दुनिया होगा? के साथ चलने के लिए आप दुनिया के साथ चलने के लिए उसको फॉलो करते हैं, वहां जाते हैं, आगे ये केस चलेगा। सर, आज और एक बात का जवाब दे दें, एक सीधी सीधी बात में, क्योंकि आपने कि हमेशा खरी बात करते हैं, तो मैंने कहा मैं आज आपसे ही पूछ लूं, ये क्या वजह है कि यादव का कोई नाम नहीं लेता आपकी आपकी आपकी, आपकी हुकूमत में? कोई भूल जाता है, कोई कहता है उसका नाम क्या है? यादव हमारे, यादव ने हमारे मुल्क में टेररिज्म की है, लोगों को कत्ल किया है, वो जो है एक स्पाई है और वो जो है हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक जो सजा है वो अपनी सजा पाएगा, उसमें दो राय कोई नहीं है। ये तो कोई नहीं कह रही ऐसी बातें हैं, ये बात नहीं कह रहे हैं, वो बात नहीं कह रहे हैं, इस तरह नहीं कह रहे हैं, उस तरह नहीं कह रहे हैं। हम बहुत क्लियर बात है कि उसने हमारे मुल्क में टेररिज्म को फरोग दिया, उसने हमारे मुल्क में धमाके कराए, ऐसे इसमें दो राय है नहीं। अच्छा, अगर कोई बात है, बात बताएं आफरीदी साहब, अगर यही मामला खुदा ना खास्ता होता कि वहां कोई बंदा पकड़ा जाता जो हाजिर ड्यूटी होता और वो कहते जी आईएसआई का है, कर्नल है, क्या करती भारत? क्या करती भारत? भारत अपने मुल्क को देखेगी, हम अपने मुल्क को देखेंगे। इस वक्त हमारा जो है हम अपने मुल्क को देख रहे हैं, आपके आप जो ये कॉरिडोर को चला रहे हैं, आपको एक चीज समझना चाहिए। नहीं नहीं, हो नहीं गया आपके, अगर ये 400-500 लोगों को कॉरिडोर की वजह से सारी दुनिया हमारे, ये बिल्कुल कॉरिडोर की वजह से सारे मसले हैं, ये बिल्कुल आप समझें कि 1000 एटम बम से ज्यादा ये हमारी, पहले 500 आप अपने 1000 एटम बम से, बिल्कुल बिल्कुल इससे बड़ी चीज हमारे लिए नहीं। ठीक है, तो मतलब हम अपना एक सीपैक का मौकिफ भी हम इतने अल्लाह माफ करे कोई गोए गुजरे हो चुके हैं, मुस्तफा यू कुड कमेंट ऑन दिस, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फोकस है, हम इतने गए गुजरे हो चुके हैं कि दहशतगर्दी पे बंदे मरवाने के बाद और सीपैक पे अपने मुल्क में रोटी देने के लिए हम लोगों को नहीं कन्विंस कर सके तो लोग हमारे दुश्मन हो गए भाई। देखिए जैस्मिन, आपने खुद अपने इंट्रो में जिक्र किया दो इंपॉर्टेंट चीजों का, एक एपीएस आने का और दूसरा उन शहादतों का जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की अवाम ने इस जंग में दी। देखिए रिकग्निशन होता क्या है, रिकग्निशन ये होता है कि आप इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद जिस इंटरनेशनल फोरम पे आपका वजीर आजम जाए वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, वो पाकिस्तान की कुर्बानियों को रिप्रेजेंट करता है, अगर वहां पर जाकर उसको बोलने का भी मौका ना दिया जाए। और देखिए प्राइम मिनिस्टर हाउस की अपनी प्रेस रिलीज है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा, मेरे पास वो व्हाट्सएप पे पड़ी हुई है कि जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर वहां पे तकरीर में अपनी ये बातें करेंगे, तो यानी कि जब तक ये वहां पर पहुंचे नहीं तो उस वक्त तक इनको अंदाजा ही नहीं था इनकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए और इन समिट्स में ये तमाम चीजें जो है ये पहले से तय हो जाती है, महीनों पहले से तय हो जाती है कि फलाना कौन सी बात करेगा, फलाना कौन सी बात नहीं करेगा और कौन से मुल्क के वजीर आजम ने बोलना है, किसने नहीं बोलना है, ये महीनों पहले तय हो जाती है। इसका मतलब यह है कि फॉरन ऑफिस जो है हमारा वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। दूसरी एक चीज जो है जैस्मिन, के इस मुल्क में हमने जो इतने बड़े बड़े इदारे बनाए हुए उनका मकसद, पार्लियामेंट का मकसद क्या है कि वहां पर गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया जाए। गवर्नमेंट कुलभूषण के मामले पर वहां पर क्लियर नहीं थी, पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर ऑपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान और वहां पर नवीद कमर इनसे पूछते रह गए कि आईसीजे में जो केस है उस केस के ऊपर फॉरन ऑफिस और सरताज अजीज साहब हमें ब्रीफिंग दे, उन्होंने उसके अंदर कोई ब्रीफिंग नहीं दी, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं। और फिर उसका जो नतीजा निकला आप देखिए कि वहां पर हम एडहॉक जज मुकर्रर कर सकते थे, हमने एडहॉक जज मुकर्रर नहीं किया, हम वहां पर जो रिटन आर्ग्यूमेंट्स थे वो रिटन आर्ग्यूमेंट्स हमने विद इन टाइम हमने सबमिट नहीं किए हमारे वकील ने वहां पर। तीसरी चीज के वहां पर जो हमें अलॉटेड टाइम था 90 मिनट्स के आर्ग्यूमेंट्स हम कर सकते थे, हमने वहां पर सिर्फ 50 मिनट के आर्ग्यूमेंट्स वहां पर किया और उसके बाद केस को खत्म कर दिया। तो ये सारी चीजें और जो यहां से अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से जो साहब गए यहां से उनको असिस्ट करने के लिए वो एक नौजवान वकील थे, तो पाकिस्तान ने सर उस सीरियसनेस से वहां पर केस लड़ा भी नहीं। सीरियसनेस का आलम तो ये है ना, क्या बात कर रहे हैं आप इस पे समसाम, इफ यू कुड कमेंट, सरताज अजीज इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड दिस, ये दो दफा वो ये कर चुके हैं, पहले उन्होंने कमेटी के सामने पेश हुए, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो सबूत ही कोई नहीं है, फिर अब वो ये कह रहे हैं सॉरी जी हम तो प्रिपेयर होकर ही नहीं गए थे। अरे भाई आप तो मुल्क के मुकदमों को ऐसे चला रहे हैं जैसे मजाक हो। देखिए जी मुझे तो जैस्मीन ऐसे लगता है, अनफॉर्चुनेटली बात बंदा कहता है फिर नहीं करता। आप देखें पहली दफा 1971 के बाद कोई सर्विंग ऑफिसर इंडियन आर्मी का पकड़ा गया है यहां पे पहली दफा, और कभी कोई लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल का आदमी कभी नहीं पकड़ा गया पहले, इससे पहले आपने उसको भी खो दिया, आपने वहां बात नहीं की। ये जिस तरह आपने केस लड़ा है आप देखें कि आपने टॉप
डॉलर और टॉप पैसा दिया है फॉरेन फॉरेन करेंसी में, और केस आपने इस तरह लड़ा है जैसे ये कोई फिक्स मैच हो और आपने बस खाना पूरी कर ली हो। इससे तो बेहतर था वहां जाता ही ना। अगर ये आज कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी करेंगे तो उस वक्त ही कह देते कि हमने पकड़ा जी हम आते ही नहीं, ये क्या बात है कि डिसीजन लेने के बाद हम जाते ही नहीं, गए क्यों थे ये वहां? और अगर गए थे तो क्या इनके पास अच्छी ऑप्शन मौजूद नहीं थी? यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस केस को जाके अच्छी तरह लड़ते और फ्री लड़ते और पाकिस्तान का मौकफ बयान करते। डिस्कनेक्ट की बात ये हुई तो मैं आपको बताऊं कि सरताज अजीज साहब की जाती तौर पे मैं इज्जत करता हूं, मगर एक्चुअली सरताज अजीज वाज नोबडी व्हेन फातमी वाज देयर। तो फातमी को जो सरताज अजीज को तो शायद खुद ब्रीफिंग नहीं थी, तो वो कमेटी को आगे क्या ब्रीफिंग करता। फिर ये है कि जो सेनेटर शहरी रहमान साहबा ने कहा उस दिन, मैं समझता हूं कि वो बड़े ठीक लफ्ज उन्होंने कहे और उन्होंने ठीक तरह कहा कि हमारी तो प्रेपरेशन ही नहीं थी और ये केस किसी ने क्या हराना था, हम तो खुद ही आ रहे हैं। बात यह है कि पार्टीजन होने की बात नहीं, ये मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का या पीटीआई का केस नहीं था। Exactly. ये तो पाकिस्तान के दिफा का, पाकिस्तान का मुकदमा था जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के वकीलों ने खो के अवाम को मायूस किया और इनको अब भी तगड़ा हो जाना चाहिए। दूसरा, सऊदी अरब की हमें इज्जत करनी चाहिए, हमें सऊदी अरब से कभी तल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए, मगर सऊदी अरब के हुक्म पे ईरान से भी तल्लुकात नहीं खराब करने चाहिए। हमसायों की बड़ी अहमियत होती है और वो वाहिद मुल्क है जो खड़ा हुआ है इनके सामने कि क्या कर क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। अफगानिस्तान में दो तीन चीजें कर ली, जब पाकिस्तान का देखे, मेरा लाख इख्तलाफ हो नवाज शरीफ साहब से, मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता। क्यों वो कमजोर थे? कि एक तो वो टेंटेड हैं, उन पे इल्जाम सुप्रीम कोर्ट, आधी सुप्रीम कोर्ट साबित कर चुकी है, बाकी ने पाक नहीं किया है। तीसरी बात ये है कि वो इतने ज्यादा शायद थे कि ये जी सऊदी अरब में चूके हो रहा है तो मैं तो हूंगा ही हूंगा, जैसे वो तैयारी करते रहे। इजंट इट ए शेम कि इवन प्राइम मिनिस्टर डिडंट नो कि उसको बोलने दिया जाएगा या नहीं बोलने दिया जाएगा। और अनेक लास्ट थिंग, अफगानिस्तान का नाम आना और भारत का नाम आना इन ए सो कॉल्ड इस्लामिक समिट, दैट इज अ शेम फॉर अस, एट लीस्ट आई डोंट नो अबाउट द गवर्नमेंट। अब्बास आफरीदी साहब, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था उन्होंने बोलना है या नहीं बोलना, तो वो किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे? एक तो हमें किसी चीज का शेम नहीं होना चाहिए, हमें अपने मुल्क पे फखर है। हमें वतीरा हो गया कि हमने हर पॉजिटिव बात को अपने हर बात पे अपने मुल्क के बारे में नेगेटिव ही बोलना है। दूसरी तरफ कहा कि जजों ने, पहले भी विचारों ने ये कहा कि हमारे रिमार्क्स को, हमारे केस सुनने को आप फैसला ना कहें, और उन्होंने इन्हीं के एक लीडर को कहा कि ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए कि हमने ये कहा है, हमने ये कहा है, हमने ये कहा है। ये जो है कि सुनने में मुख्तलिफ राय होती है। मेरा मकसद ये है कि हमें बात को तोड़ मड़ोड़ के बजाय, पाकिस्तान इस वक्त एक डायरेक्शन पे चल पड़ा है, कामयाबी की डायरेक्शन पे, हमें ज्यादा बात नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव करना चाहिए। हमें एक अच्छी एक अभी अगर आप लोगों ने खामखा वो खबर बनानी है, अभी मुझे बात करने दें, अगर वो खबर बनानी है, अगर मेरी बात को तो कंप्लीट करने दें, क्योंकि दो पीपल्स पार्टी के आदमी बैठी हैं, आज आप भी पीपल्स पार्टी वाली लग रही हैं। अच्छा अच्छा, पीटीआई में चले गए, अच्छा ठीक है, बात सुने मुझे, देखे अभी मुझे कोई बात करने नहीं, मैंने किसी की बात में बात नहीं की, और मैंने मुझे भाई एक भी बात करने नहीं दे रहा, देखे मुझे एक भी भाई बात करने नहीं दे रहा, देखे मुझे मुझे जरा बात करने दें, देखे मुझे बात करने दें। मेरे भाइयों ने बात की, मेरे अच्छे दोस्त हैं, दोनों अच्छे भाई हैं मेरे। मेरा मकसद ये है कि जो मुल्क जिस डायरेक्शन में इस वक्त चल रहा है, जैसे हम थे और जैसे हैं, इसमें बहुत बड़ा फर्क है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है, सारी दुनिया, और ये दुनिया को हजम नहीं हो रहा, इसकी वजह से हमें इख्तिलाफात आएंगे, मुश्किलात आएंगे और ज्यादा मुश्किलात आएंगे। अच्छा, लेकिन जिस डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं, देना आप टू द पॉइंट जवाब क्यों नहीं देते? एक तो टू द पॉइंट ही जवाब दे रहा हूं, आप मांगे कौन सा जवाब मांगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर किस चीज की तैयारी कर रहे थे अगर वहाँ उनको तकरीर नहीं करनी थी तो? ये तो आपकी बातें हैं कि जहाज में तैयारी हो रही थी, जहाज में लोग ये कह रहे थे, आप कोई भी बात बना ले, आपके प्रेस वालों ने क्या बोला, उधर कौन सा था, क्या
मैं तो वो बात नहीं कह सकता, मैं तो वो बात करूंगा एज जिस मौके पे जो मुनासिब हुआ। मेरे भाई ने एक बात की कि वहां जो नोटिफिकेशन ईरान के बारे में थी, प्राइम मिनिस्टर मुनासिब नहीं समझे कि उन्होंने बात नहीं करनी चाह रही थे उस वक्त। एक सेकंड, वी विल ऑल ऐड अ पॉइंट टू इट, लेकिन मैं आफरीदी साहब लेट मी क्लेरिफाई दिस थिंग। ये जो सहाफी आपके साथ जाते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और जिनको आप लेके भी जाते हैं ना अपनी ख्वाहिश से, और जो राइट और लेफ्ट पे बैठते हैं जी, जो जिनको आप तो सर ये पिक एंड चूज होता है, तो ये वो लोग हैं जो बकौल आपके आपका साथ दे रहे हैं। तो अगर ये वो ये कह रहे हैं तो हमें तो आप कुछ कहें ही ना। हमें तो किसी का साथ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सब मुल्क का साथ। सर मेरी जब बात का जवाब दे दे, सच जो नेचुरल है वो दिखाएं। तो उन्होंने किसी का कोई साथ नहीं चाहिए, हमें चाहिए पाकिस्तान का साथ। आप कभी टू द पॉइंट बात नहीं करते, जो किसका साथ दे, जो किसका साथ दे भाई, आपके साथ जो सहाफी जैस्मीन जी, इनके साथ सर जो सहाफी गए थे उन्होंने ये कहा है कि वो सारा वक्त तकरीरें कर रहे थे, और पाकिस्तान के साथ जो बदसलूकी कही है और जिस तरह उसके उनके साथ बिहेव किया, हमें शर्मिंदगी है। मैंने सर साम भाई ने, और इन्होंने बहुत दफा सफर किया होगा तीनों ने, मैं ये तीनों भाई से पूछता हूँ कितनी दफा तकरीर कोई प्राइम मिनिस्टर जब जहाज में जा रहा था वो तकरीर कर, हमने तो कभी नहीं देखा सारी सफर में वो तकरीर कर रहे होते हैं। मुझे जवाब देने कर रहे थे जैस्मीन, इस पे मुझे जवाब देने दें, टायर्ड बीन द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मुझे पता है जी। फरमाइए, बात ये है कि पहली बात तो ये है के सहाफियों से आपके जाती तलकात, लोग कैसे नहीं चले मैं मानता हूं ये बात, सहाफियों से आपके जाती तलकात, वो आपकी हुकूमत के लिए क्या लिखते हैं, वो आपके प्रो हैं या एंटी हैं, आप उसका एक बैलेंस क्रिएट करके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की मर्जी के साथ उन सहाफियों को चूज करती है दौरों के लिए। एग्रीड, जब वो जाते हैं तो उनमें से कभी भी, बहुत कम ऐसे होता है कुछ लोगों को लाभ हो, बाकी उन्हीं लोगों को लेके जाते हैं जो प्रो होते हैं या बैलेंस। ओके, जरूरी नहीं है वैसे, मैं आपको एक बात बता, ये किसी और तरफ गुफ्तगू चल निकली है, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। प्लीज गो अहेड मुस्तफा, आप ऐड जी। मैं सिर्फ ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जैस्मीन, एक वो वक्त था कि जिस वक्त पाकिस्तान इस्लामिक समिट्स होस्ट करता था और पूरी इस्लामी दुनिया के सरबराहान यहाँ पर आते थे, और आज ये वक्त आ गया है, आज ये मुकाम आ गया है कि हम इस्लामिक समिट में जाते हैं और कोई हमें बोलने भी नहीं देता। तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, और इस हुकूमत ने इनकी जो पिछले चार साल की कारकर्दगी है और खुसूसन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इसके अंदर इनका बहुत बड़ा कसूर है कि इन्होंने इस्लामी दुनिया के अंदर उस दराड़ों में शामिल होकर इन्होंने एक विजिबल पोजीशन ली है जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब मुस्तफा, हम उन लोगों में से हैं माजरत के साथ जो कभी नहीं सीखते, यही हो गया ना। एग्जैक्टली, देखे जैस्मिन, हम अभी तक काट रहे हैं। किस लिए वहां पर आया, इतने बड़ी वहां पर जो आग लगी, इतने बड़े लोग वहां पर बाहर निकले, इसलिए कि वहां पर डेमोक्रेसी आ जाए। हमारे यहाँ ऑलरेडी डेमोक्रेसी है, सऊदी अरब हमसे 100 साल पीछे है, ईरान में मुल्लों की हुकूमत है, पाकिस्तान बहुत आगे इनसे। अब हम जो डिबेट इस टीवी प्रोग्राम पे बैठ कर रहे हैं, पूरी इस्लामी दुनिया में मुझे बता दें कि किस मुल्क में, आप टर्की में बैठ के ये डिबेट नहीं कर सकते, सऊदी अरब में नहीं कर सकते, ईरान में नहीं कर सकते, इजिप्ट में नहीं कर सकते, कहां आप ये डिबेट कर सकते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सोसाइटी बहुत आगे है, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ्स बहुत ज्यादा है, वी आर फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट को ये इन्होंने बेतौकीर करके रख दिया है, पाकिस्तान की बेतौकीरी इन्होंने करके रख दी है। ये बता दें कि आप यादव को फांसी दे रहे हैं या नहीं। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल फांसी देंगे। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये हमारा अपना मुल्क है, हमने अपनी दिफा देखनी है, हमने अपने इंटरेस्ट देखने हैं। इसमें ये कह देना कि क्या होगा कैसे होगा, ये हमने अपने वक्त के अपने कानून और अपने पॉलिसीज के साथ देखना है। सर, एक चीज बहुत वाजे है, मेरे भाई ने कहा कि बिल्कुल समेट होते थे, ठीक है, एक दौर वो भी था, एक दौर ये था कि साथ साथ लोग हमारे शहीद होते थे, क्योंकि एक दौर वो भी था कि हमारी हमारे 50,000 लोग शहीद होते, एक दौर वो भी है कि आज हम एक नए दौर में जा रहे हैं, एक नई तरक्की की तरफ जा रहे हैं। कौन सी तरक्की, पता नहीं। देखिए जैस्मीन, मैं आपसे ये कहता हूँ, मेरी बात बीच में रह गई क्योंकि मैं शायद दूर बैठा हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ, तो आप मेरी बात सुन। मैं सहाफियों की बात मेरी याद ही रहेगी, इन्होंने कहा जी कितनी दफा तकरीरें होती है, मैं कम से कम 8-10 दौरों पे प्राइम मिनिस्टर के साथ गया हूँ जहाँ पे बिल्कुल पॉइंट डिस्कस होते हैं विद द मिनिस्टर्स, और जो आप साथ लेके जा रहे होते हैं कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना चाहिए, और क्या कहना है तो किस तरह कहना है। पहली बात तो ये है कि फॉरेन ऑफिस का हाल ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं बता सका
आपने बोलना है या नहीं बोलना, वो क्यों बेचारे लगे रहे। दूसरी बात ये है कि वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो एटमी मुल्क है, वाहिद मुल्क है पाकिस्तान। मेरा एक सवाल है कि साफियों से भी पूछते हैं कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं, सच बोले साफी मौजूद होते हैं, सच नहीं आप सच बोले। साफियों से भी बिल्कुल पूछते हैं, आठ दौरों में ये देखा है कोई प्राइम मिनिस्टर साफी से पूछ रहा होता है कि मैंने क्या बोला और क्या नहीं बोला। मैं यहाँ क्लियर कर दूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उनको बता रहे थे, उन्होंने ये कहा हम देख रहे थे कि वजीर आजम तैयारी कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शमसाम अब्बास आफरीदी साहब एंड मुस्तफा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, अल्लाह हाफिज़।